हेलो दोस्तों, मैं सुबह आप सबका स्वागत करता हूं ऑलटेक यूट्यूब चैनल में। सो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, पबजी मोबाइल बैन कर दिया गया है। अब आगे क्या, कौन सा गेम पबजी मोबाइल के बाद में प्ले करेंगे, हम आज इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। मैं आपको पबजी मोबाइल का अल्टरनेटिव बताने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक तो बनता है, और अगर आपको ऐसे ही और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं पबजी मोबाइल के अल्टरनेटिव्स के बारे में, मतलब कि ऐसे गेम्स जो मल्टीप्लेयर को सपोर्ट करते हैं और बैटल रॉयल की कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों, इस सीरीज़ में हमारा फर्स्ट गेम निकल के आता है कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, इस टाइम जो गेम है जो पबजी मोबाइल को अल्टरनेट कर सकता है, या मैं कहूँ पबजी मोबाइल को टक्कर दे सकता है, वो है कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल। अगर आपने इस गेम को एक भी बार ट्राई नहीं किया है तो इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। इस गेम में आपको अलग अलग मोड्स देखने को मिल जाते हैं, यानी कि आप इसमें पबजी मोबाइल की तरह ही बैटल रॉयल मोड्स को प्ले कर पाएंगे, और इसमें टीम डेथ मैच भी देखने को मिल जाएगा। इसमें 12 अलग अलग मैप्स है जो बैटल रॉयल को फील कराएगा। साथ ही साथ कॉल ऑफ ड्यूटी एक बहुत ही पॉपुलर सीरीज़ है, चाहे वो कोई भी गेम हो। आप में से बहुत लोग कॉल ऑफ ड्यूटी को अपने पीसी पे भी खेले होंगे, और इसकी कंपनी एक्टिविज़न है। आप लोगों को पता ही होगा एक्टिविज़न की तरफ से सारे कॉल ऑफ ड्यूटी बहुत ही कमाल की होती है। साथ ही साथ इसकी जो ग्राफिक्स होती है वो भी बहुत ही शानदार होती है, बिल्कुल रियलिस्टिक देखने को मिलती है। तो दोस्तों, ये थे हमारा पहला अल्टरनेटिव। ये गेम इतना ज़बरदस्त है कि आई होप आप लोगों को बाकी अल्टरनेटिव्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैं आपको आगे के अल्टरनेटिव्स बताऊँगा जिससे आप खुद डिसाइड कर सके कि आपको पबजी मोबाइल के बाद कौन सा गेम प्ले करेंगे। तो चलिए सीरीज़ में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हमारे सेकंड अल्टरनेटिव्स की, जो निकल के आता है आप सभी का फेवरेट गरेना फ्री फायर। जी हाँ, गरेना भी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर गेम है। जब पबजी को बैन नहीं किया गया था तब भी हमारी जो ऑडियंस है वो गरेना फ्री फायर को ही प्ले करती थी। अब अगर आज भी प्ले स्टोर पर चेक करेंगे तो पबजी से 5 गुना ज़्यादा गरेना फ्री फायर को डाउनलोड किया गया है। दोनों ही गेम एक दूसरे से डिफरेंट हैं। पबजी मोबाइल आपको रियलिस्टिक ग्राफिक्स प्रोवाइड करता है, और गरेना फ्री फायर आपको एनिमेटेड स्टाइल ग्राफिक प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आपको बैटल रॉयल में 50 प्लेयर्स देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ थर्ड पर्सन मोड से इस गेम को प्ले किया जाता है। मैं इस गेम के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस गेम के बारे में पता है और बहुत लोग खेलते भी है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन गरेना फ्री फायर को प्ले करता है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हमारे थर्ड अल्टरनेटिव की, जो निकल के आता है फोर्टनाइट। जी हाँ, ये बिल्कुल सही टाइम है पबजी मोबाइल के बैन होने के बाद आप फोर्टनाइट को ट्राई करें। जब पबजी मोबाइल लॉन्च हुआ था तब उसी के आसपास फोर्टनाइट को भी लॉन्च किया गया था। फोर्टनाइट इंडिया को छोड़ के अदर कंट्री में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। शायद एक रीज़न ये भी हो सकता है, उस टाइम पे किसी के पास उतना ज़्यादा कमाल के एंड्रॉयड स्मार्टफोन नहीं थे जो फोर्टनाइट जैसे हाई ग्राफिक्स गेम को चला पाए। बट अब चीज़ें चेंज हो चुकी है, अब सबके पास 4GB, 6GB, 8GB रैम तक के फ़ोन अच्छे प्रोसेसर के साथ आ चुके हैं, जो हाई से हाई गेम को आसानी से चला सकते हैं। लेकिन फिर भी बहुत से लोग हैं जो इस गेम को अभी भी पसंद नहीं करते। शायद इसका रीज़न ये भी है कि इसके कैरेक्टर्स और ग्राफिक्स थोड़ा कार्टूनिस्ट देखने को मिलती है। लेकिन पबजी मोबाइल के बाद ये भी एक अच्छा अल्टरनेटिव बन सकता है। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कौन इस गेम को प्ले कर चुका है। बस इसमें एक ही दिक्कत है कि ये गेम स्टार्टिंग से लेके अभी तक प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं हुआ है। अगर आपको इस गेम को ट्राई करना है तो आपको बाहर से डाउनलोड करना पड़ेगा। वैसे आपको कहीं भी कोई गेम सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सारा गेम्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हमारे फोर्थ अल्टरनेटिव की, जो निकल के आता है बैटल प्राइम ऑनलाइन। अब बैटल प्राइम भी बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप कंपेयर करते हैं मल्टीप्लेयर गेम से। दोस्तों के साथ प्ले करना आपको पसंद है, ये गेम भी आपको बहुत अच्छी ग्राफिक्स प्रोवाइड कराएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इस गेम में आपको थर्ड पर्सन एक्शन देखने को मिल जाता है, यानी कि आप थर्ड पर्सन मोड में इस गेम को प्ले कर पाएंगे, जहां आपको बहुत ही फास्ट एक्शन देखने को मिलता है। आपको जल्दी जल्दी मूवमेंट्स करनी होगी, स्ट्रेटेजीज बनानी होगी,
ताकि आप अपने सामने वाले अटैक को डॉज कर पाए। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे इस सीरीज़ के सेकंड लास्ट अल्टरनेटिव्स की, जो निकल के आता है शैडोगन लेजेंड्स। मैड फिंगर की तरफ से आने वाला उनका लेटेस्ट गेम शैडोगन लेजेंड्स, जिसके अंदर आपको फर्स्ट पर्सन मल्टीप्लेयर कॉम्बैट देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों को साईफाई यानी कि ऐसा गेम जो साइंस फिक्शन पे बना हो या उस टाइप का ग्राफिक्स दिखाया जाए, तो इस गेम को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बिकॉज इसमें आपको अलग अलग तरह के ब्लास्टर्स देखने को मिलेगा जिनका यूज़ करके सामने वाले अपोनेंट्स को हराते हैं। और अब बात करते हैं हमारे सीरीज़ के लास्ट अल्टरनेटिव्स की, जो निकल के आता है रोक एजेंट्स। अब दोस्तों, ये गेम जाना जाता है अपने कमाल के थर्ड पर्सन मल्टीप्लेयर शूटिंग के लिए। 7 अलग अलग मैप्स देखने को मिल जाएंगे, साथ ही साथ इस गेम में आपको पार्कर देखने को मिल जाता है, यानी कि आपको जो कैरेक्टर है वो जंप कर सकता है वॉल्स के ऊपर से। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें आपको 3 अलग अलग गेम मोड्स देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, ये थे वो सारे के सारे गेम्स जिनको आप ट्राई कर सकते हैं एज ए अल्टरनेटिव्स ऑफ पबजी मोबाइल। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कीजिएगा एक लाइक, और अगर आपको इनमें से कोई गेम पसंद ना आए तो हमारे चैनल में और भी गेम्स की वीडियो पड़ी है, आप जाके चेकआउट कीजिए। और अगर आपको ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहिए तो जल्दी से कर दीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बिकॉज हम आप लोगों के लिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए, मैं मिलता हूँ एक न्यू और एक्साइटिंग वीडियोज़ में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग ऑल टेक, गुड बाय।